क्या आपने कभी सोचा है अगर आपको एक ऐसे ममी मिल जाए जो आपको वक्त के पीछे ले जा सकती है? एक ऐसी रहस्यमयी हस्ती जो सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं बल्कि वक्त का एक जिंदा दरवाजा है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी इजिप्शियन ममी की जो अपनी मिस्टीरियस पावर से लोगों को टाइम ट्रेवल करवा सकती थी। क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक कहानी? आइए इस रहस्य का पर्दाफाश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के एंड में, जब ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स ने इजिप्ट के एक पुराने कब्रिस्तान में एक खौफनाक ममी डिस्कवर की। ये ममी बाकी ममियों से अलग थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि ये सिर्फ एक लाश नहीं बल्कि वक्त का पालघरक है। खुदाई के वक्त एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई, जैसे कि कोई अनजानी शक्ति वहां पर मौजूद हो। ये ममी, जो कि अब द टाइम ट्रैवलिंग ममी के नाम से फेमस है, एक एंशंट प्रीस्टेस की थी जो सपोजिटली एक पावरफुल सॉसरस थी। कहा जाता है कि उसके पास ऐसे एंशंट इजिप्शियन स्पेल्स थे जो उसको वक्त में पीछे या आगे ले जाने की शक्ति देते थे। कहानी यह है कि जब भी कोई इस ममी के पास जाता, वो अजीब सपने देखता, सपने जो हमेशा इजिप्ट के पुराने जमाने के होते, जिसमें वो खुद उस वक्त के लोगों के बीच होता। एक बार एक रिसर्चर जिसका नाम डॉक्टर जोनाथन कार्टर था, इस ममी की स्टडी करने के लिए कायरो आया। उसके आते ही उसने अपने आप को एक पुरानी इजिप्शियन बस्ती में पाया, जैसे कि वो वक्त के पीछे जा चुका हो। उसने वहां लोगों को अपनी आंखों से देखा, उनकी बोली समझी और उनके रिचुअल विटनेस किए। लेकिन जैसे ही उसने अपने सेंसेस वापस पाए, वो फिर से अपनी असली दुनिया में वापस आ गया। डॉक्टर कार्टर ने अपनी ये कहानी अपने कॉलीग्स को सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। लेकिन जो कुछ उसने वहां देखा, उसने उसके दिल दिमाग को हिलाकर रख दिया। इस इवेंट के बाद कई और लोगों ने भी ऐसे ही एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट किए। कुछ लोगों ने कहा कि ममी के पास जाने के बाद उन्होंने अपने आप को फैरो के समय में पाया, जबकि कुछ ने अपने आप को एक स्लेव के रूप में देखा। ये एक्सपीरियंसेस सभी के लिए यूनिक थे, लेकिन एक चीज कॉमन थी, ये सब इतने रियल थे जैसे कि वो वाकई उस वक्त में घूम रहे हों। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक इमेजिनेशन का खेल था, या फिर इस ममी में वाकई कुछ सुपरनेचुरल शक्ति थी? कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये सब सिर्फ हेलुसिनेशंस थे जो लोगों के खुद के दिमाग में बने हुए थे। लेकिन कुछ और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एंशंट इजिप्शियन प्रीस्ट्स के पास वाकई कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जो आज भी हमें समझ नहीं आए हैं। यह भी कहा जाता है कि ये ममी एक श्राप की वजह से ऐसे हेलुसिनेटरी इफेक्ट्स क्रिएट करती थी ताकि लोग उसके आसपास ना आए। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि ये एक टाइम ट्रैवलिंग ममी थी, वो अपने थियोरीज को इजिप्शियन मिथोलॉजी से जस्टिफाई करते हैं। उनके कहने के मुताबिक पुराने इजिप्ट में टाइम को एक सर्कुलर कॉन्सेप्ट माना जाता था, जिसमें आत्मा हर जन्म के बाद वक्त के चक्कर में घूमती रहती थी। शायद ये ममी इस कॉन्सेप्ट का एक एग्जाम्पल थी जो लोगों को उस वक्त के लूप में खींच लेती थी। तो क्या ये ममी वाकई वक्त में सफर करने की शक्ति रखती थी, या फिर ये सिर्फ एक मानसिक खेल था? ये रहस्य आज भी अनसॉल्व्ड है। लेकिन एक बात तो तय है, इस कहानी ने हमेशा के लिए लोगों की सोच को जकड़ कर रख दिया है। शायद आप कभी इजिप्ट के उस कब्रिस्तान में घूमने जाएं और अपने आप को कुछ ही लम्हों के लिए एक पुराने जमाने में पाएं। और अगर ऐसा हो तो याद रखिए, ये सब सिर्फ एक अफसाना नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो वक्त के रेत के साथ मिक्स हो चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या ये ममी वाकई वक्त का सफर करती थी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस स्टोरीज मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।